सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो और दुआएं सबसे पहले। मेरी दुआ है कि आप, आपके घर वाले, आपके दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार सदा सलामत रहे और हंसते मुस्कुराते रहे, आमीन। तो चलो दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी बात कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। इंतहा पसंद भारतीय पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि भारत के कुछ खिलाड़ी और फनकार भी पाकिस्तान को लेकर काफ़ी इंतहा पसंद हो चुके हैं, जिनमें से गौतम गंभीर का नाम नुमाया है। पुलवामा हमले के बाद गौतम गंभीर ने पाकिस्तान के साथ जंग की बात की और फिर जब भारतीय तैयारों ने पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए एयर स्ट्राइक का बोंडा दावा किया तो जूटी खुशी से फूले नहीं समाते रहे, लेकिन जब दूसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करने पर पाकिस्तान ने दो भारतीय तैयारे मार गिराए तो इन्हें चुप का सांप सूंघ गया। कुछ दिनों की खामोशी के बाद वो एक मरतबा फिर सामने आए हैं और इस बार ना सिर्फ खुद पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई शर्मनाक मुहिम का हिस्सा बने हैं बल्कि दूसरों को भी इस मुहिम का हिस्सा बनने की तरगीब देने में मसरूफ़ है। उन्होंने ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में लिखा, मैं दुनिया के तमाम ममालिक बिलखसूस ऑस्ट्रेलिया जो मेरी दूसरी पसंदीदा तरीन क्रिकेटिंग कौम है से दरख्वास्त करूंगा कि वो पाकिस्तान की इमदाद रोक दे। इंडिया को खदशा है कि आपके दिए गए डॉलर सही मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। इस हवाले से आप गौतम गंभीर का यह ट्वीट देख सकते हो। दोस्तों ये थी गौतम गंभीर के हवाले से कुछ अपडेट। उम्मीद करता हूँ इस अपडेट से आप भी मायूस हो गए होंगे। इस अपडेट के मुताबिक और गौतम गंभीर के लिए कमेंट्स बॉक्स में एक जुमला ज़रूर लिखें।